नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आज के टॉप हेडलाइंस हैं। लोकप्रियता के मामले में बाइडेन पुतिन से आगे, प्रधानमंत्री मोदी इस लिस्ट में 5 भारतीय। सऊदी अरब ने कहा इसराइल को मान्यता देने के लिए तैयार, लेकिन उसे 2002 के प्रस्ताव को मानना होगा। 3 पूर्व महिला कर्मचारियों ने कहा ऑफिस में यौन शोषण हुआ, मैनेजमेंट ने शिकायत पर भी नहीं की कार्रवाई। गूगल का अल्टीमेटम, वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी कटेगी, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में नासा के यान का एंट्री। भारत में बढ़ने लगा ओमिक्रॉन का कहर, बंगाल तमिलनाडु में मिला पहला केस, दिल्ली महाराष्ट्र गुजरात समेत इन राज्यों में मिले हैं संक्रमित। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा और राजस्थान से बेहतर बिहार का हाल, आंकड़े दे रही है गवाही। आतंक के खिलाफ कैसी होगी जंग, काबिल अफसरों की कमी से जूझ रहा है नहीं। मॉब लिंचिंग के मामले में मारे गए लोगों का अलग से कोई डेटा नहीं, सरकार ने संसद में बताया। जवान की मौत से सबसे ज्यादा खुश होते हैं सफेदपोश आतंकी, कश्मीर में बोले जनरल डीपी पांडे। शराबबंदी क्या कानून के नाम पर पूजा और परंपरा को छोड़ दें, जीतनराम मांझी बोले सीएम तय करे लिमिट। मोतिहारी में चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे कर दी, जीत के बाद विजेता ने समर्थकों संग हारे हुए उम्मीदवारों पर किया हमला। शराबबंदी पर एक्शन, नवंबर में पुलिस ने जब्त की 3.25 लाख लीटर शराब, 11,804 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार पंचायत चुनाव घर के दरवाजे पर बैठे डीलर को घसीट कर पीटा, कई राउंड हवाई फायरिंग की, सिर पर मारा फरसा। बालू खनन में औरंगाबाद के एसडीपीओ रहे अनूप कुमार पर सिकंजा, तीनों ठिकानों पर ईओयू का छापा। ममता का इम्तिहान, मजबूर मां ने अपने लगते जिगर को जंजीरों में कैसे कर दिया गया। कटिहार सदर अस्पताल में प्रसव में एवज में मांगी जाती है राशि, शराब बिक्री की भनक लगते ही पुलिस को दे जानकारी। सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, निगम कार्यालय में लग रहा ताला। सीएलसी के लिए पैसे की मांग पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। नमस्कार।